इलाके में बीजेपी की नगर सेविका जया सतनाम तिवाना और माई ग्रीन होम सोसाइटी के सहयोग से किचन गार्डनिंग और कंपोस्टिंग पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद गोपाल शेट्टी सहित लगभग 200 से अधिक सोसाइटी के लोगों ने भाग लिया। बता दें कि मुंबई के मलाड़ पश्चिम एवरसाइन इलाके में स्थित रयान इंटरनेशनल स्कूल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वार्ड क्रमांक 47 की नगर सेविका जया सतनाम तिवाना और माई ग्रीन सोसाइटी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह देखो नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें गीले और सूखे कचरे को कंपोज और किचन गार्डनिंग के जरिए किस तरह उपयोग में लाया जाए और महानगर पालिका को प्रदूषण मुक्त होने से बचाया जाए, इस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 200 से अधिक सोसाइटी के लोगों ने भाग लिया। सांसद गोपाल शेट्टी, नगर सेविका दक्षा पटेल, जया सतनाम तिवाना, राम बरोड, तेजिंदर सिंह तिवाना सहित भारी संख्या में स्थानीय नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। पेश है एक खास रिपोर्ट। देखिए, हमारे मलाड़ प्रभाग समिति के अध्यक्ष दक्षा पटेल, हमारे सारे नगर सेवक और सुशील जाजू, ये सारे मिलकर माई ग्रीन सोसाइटी का संकल्पना उन्होंने सामने लाया। मुंबई महानगर पालिका को कचरा उठाने के लिए या तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने के लिए खर्चा ही ना करना पड़े, लोगों को जोड़कर, जो प्रधानमंत्री जन सहभागिदारी की बात करते हैं, लोगों को साथ में जोड़कर मुंबई महानगर पालिका का पैसा कम खर्चा हो और लोगों को सुविधा ज़्यादा मिले, इसलिए प्रयास करते हैं। इसलिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। जैसा बोरीवली जीरो पॉल्यूशन हुआ है, वैसा पूरा उत्तर मुंबई और पूरा मुंबई आने वाले दिनों में जीरो पॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर काम करने की आवश्यकता है। सारा काम मुंबई महानगर पालिका के लोग करेंगे, सारा काम राज्य सरकार के लोग करेंगे, सारा काम केंद्र सरकार के लोग करेंगे। ये जो सोच विकसित लोगों के मन में हुई है, इसमें से हमको बाहर लाना पड़ेगा आने वाले दिनों में। लोगों ने अपनी सुविधा के लिए अपना थोड़ा समय, अपना थोड़ा टैलेंट जो भी है समाज के पास, वो अगर हम बाहर लाते हैं तो समाज में बहुत बड़े पैमाने पे कम समय में, कम खर्चे में बदलाव हम ला सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत जन भागीदारी में है, उसको हम आने वाले दिनों में फुलफिल पे करने का काम करेंगे। तो कारण ये है, काम करने की क्षमता सब में है, लेकिन काम कम करने का और पैसा ज़्यादा कमाने का जो सोच विकसित हुआ है मन में, इसलिए सारा सिस्टम डेवलप हुआ है। मेरे समझ में 15 साल नगर सेवक था, 10 साल MLA बन गया, आज मैं MP के तौर पर काम करता हूँ। कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट में कचरा उठाने के लिए जूनियर इंजीनियर, सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, ये इंजीनियर क्यों चाहिए? इंजीनियर सिर्फ बिल्डिंग का बांधकाम, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता होगा, नया नया डेवलपमेंट होता होगा, वहाँ पर चाहिए। कचरा उठाने के लिए मैं कॉरपोरेशन में था, तब भी कहता था, क्या भाई 10वीं फेल हुआ उसको आप ऑफिस का काम दे दो तो अच्छा काम करेगा। तो ये सारे सिस्टम हमारे सब डेवलप बिगड़ गए। तो बिगड़े हुए सिस्टम को अगर सुधारा करना है तो मोदी जी बहुत रिफॉर्म ला रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी बहुत रिफॉर्म ला रहे हैं। जनता से मैंने ये अपील किया कि एक रिफॉर्म आप भी लाओ। ये म्युनिसिपैलिटी के लोगों को कुछ काम करने का मौका दो ही नहीं, नाले में कचरा डालो ही मत, ताकि नाले में से कचरा निकालने का काम ही 200-100 करोड़ रुपये का टेंडर ही नहीं निकलेगा। तो इनके सारे टेंडर के धंधे सब बंद कर दो, मुंबई शहर एकदम तेजी से आगे बढ़ेगी। मुंबई में एक हमेशा का प्रयास रहा है कि मुंबई को हम हरित कैसी रखें। तो आज जो प्रोग्राम हम यहाँ है माई ग्रीन सोसाइटी की ओर से, जया जी लोकल काउंसिलर है यहाँ पे, उनके प्रयासों से और सुशील जाजू जी के प्रयासों से आज एक नया रिफॉर्म हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। और पूरे पी नॉर्थ में इस तरह के जहाँ जहाँ जिस तरह से देखा जाता है कि बड़े पैमाने में नाला सफाई का पैसा वेस्ट जाता है, उस नाला सफाई में इतना पैसा जाता है कि हम और वो नाला सफाई भी नहीं होता है, बारिश आता है अपने आप वो नाला सफाई में साफ पानी के बारिश से चला जाता है और म्युनिसिपैलिटी ऐसे ही पैसा लेती है। ये मेरा एक आग्रह से विनती है कि हम कचरा ही नहीं डालेंगे तो उनको कोई पैसा ही नहीं मिलेगा, ये नाला सफाई की समस्या नहीं आएगी। इस लाना है कि जो कचरे का ढेर पड़ते हैं वो पब्लिक में ही लेके आते हैं और डालते हैं। हमारे एरिया में, मैं ओवरशन में रहती है, सब 4-4 करोड़ के, 3-3 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, लेकिन डब्बे के लिए भी हम नहीं देंगे तो डब्बे ज़्यादा नहीं खरीदते और कचरा उनके भाई लोग उल्टा करके फेंक के चला जाते हैं। इसलिए कचरे का जो क्वांटिटी है वो कमी नहीं होती है। हम म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर को भी उसके थोड़ा सा दोषी मानेंगे कि उनका फर्ज है
कि वो जाके सब एरिया में जाके कचरा गया कि नहीं, नोटिस दे दो। कचरा फेंकने के बाद में एक बार नोटिस देने के बाद में वो नहीं ये करते तो वो लोगों को फाइन लगाने में पुनः जाके आइए दो दिन रह के मेरे भाई के वहाँ कोतरूड में। इतनी अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, एक छोटी गाड़ी में स्पीकर लगा के हमेशा ही बोलते रहते गीला कचरा सूखा कचरा अलग करिए। वैसा बॉम्बे में अभी भी चालू नहीं। बॉम्बे एक ब्यूटीफुल सिटी है, उसको मोदी जी इतना पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, इतना सब लोग को ऐड दे रहे, हम भी अपनी तरह से मेहनत कर रहे और हम चाहते हैं कि मेहनत के लिए फल है। कम से कम जो एरिया में मुझे यहाँ यवर्शन में ज़्यादा वोट मिले और बाकी भी सब मेरे वार्ड में अच्छा, हम लोग एक सुंदर सा वार्ड बना के मोदी जी साहब को प्रेजेंट करें कि देखो 47 वार्ड एक सुंदर वार्ड बन के हमने दिया हुआ है, इसलिए हमने मेहनत किया। सबसे ज़्यादा मेरा लड़का तेजिंदर सिंह ने 4 दिन लगातार मेहनत करके और उनके कार्यकर्ता मेरे सब लेडीज़ कार्यकर्ता ने भी नारियल पेंटिंग करने का और जाजू जी जो RSS वाले ने उससे सभी ने मिलके ये प्रोग्राम के लिए आज सहयोग देके अच्छा प्रोग्राम बनाया हुआ है। और मेरा पब्लिक जो हमने जिसको बुलाया, आज संडे होने के बावजूद भी 300-400 पब्लिक आना बहुत बड़ी बात है और ये 2 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। मैं मेरा कार्यकर्ता को मेरे सारे लोगों को खास करके जाजू जी जो RSS टीम मेरा लड़का तेजिंदर सिंह महिला जिसने ये सब मेहनत लिया हुआ है सबको धन्यवाद देती हूँ। देखिए ये माइग्रीन सोसाइटी जो है इसकी तरफ से हम लोग सोसाइटीज़ को बता रहे हैं कि आपने किस तरह से अपने घरों में सेग्रीगेशन करना है, कचरे को अलग अलग करना है और सोसाइटी के लेवल पे उसका कंपोस्टिंग करना है। लगभग 60% कचरा अपना गीला कचरा होता है जो कि हम आराम से कंपोस्टिंग कर सकते हैं, नेचुरल प्रोसेस है। लगभग 25% साफ कचरा जो सूखा रहेगा वो बेचा जा सकता है और बचा हुआ 15% कचरा ही BMC की गाड़ी में लैंडफिल के लिए जाएगा। तो यानी 100 किलो जो था वो 15 किलो पर आ जाएगा। इस तरह से मुंबई की कचरे की समस्या का बहुत सरल समाधान कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं माइग्रीन सोसाइटी और जयाबेन तिवाना को अभिनंदन करता हूँ इस प्रोग्राम अरेंज करने के लिए, क्योंकि समाज में सबसे पहले कचरे के बारे में जागरूकता लाना अत्यंत जरूरी है। देखिए कुछ तैयारियां तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी माई ग्रीन सोसाइटी से मैं जुड़ा हूँ और उनके पैनल और उनके ग्रुप के अंदर एक मेंबर करके जो युवा वर्ग है मुंबई का उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये सेमिनार की चर्चा हमने पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी एक्चुअली शुरू कर दी थी और हमने लगभग 500 सोसाइटीज़ को अप्रोच किया था और उनको ऑफिशियली लेटर देके इनविटेशन दिया। BMC स्टाफ हमारे साथ आज अवेलेबल है P North के, और सूखा कचरा गीला कचरा कैसे सेग्रीगेशन किया जाए, कंपोस्टिंग के पूरे इक्विपमेंट्स सब हमने डिस्प्ले में रखे गए यहाँ पर। तो एक सेमिनार कम एग्जीबिशन, तो लोगों को दोनों लाभ हो, लोगों को जो कैसे सेग्रीगेशन किया जाता है उसके बारे में सूचना भी मिले और सामने लाइव उनको डेमोन्स्ट्रेशन भी देखने मिले, इसलिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हमें मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि अभी तक जो एंट्रीज हुई है उसमें कम से कम 700 लोगों ने यहाँ पर इस समय भाग लिया है।